की बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 11,535 पर है और दिसंबर वायदा 11,600 के ऊपर कारोबार कर रहा है, और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6,300 के ऊपर है और दिसंबर वायदा 6,400 के ऊपर। रूपा जी, देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक के बाद एक लगातार डेली बेसिस पे एक अच्छी तेजी के साथ अच्छी क्लोजिंग भी मिलती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या ग्वार यहाँ से तेजी की ओर ही रहेगा या फिर यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी बीच में देखने को मिल सकती है? देखिए, जो ग्वार के अंदर तेजी आ रही है, दरअसल क्रूड की कीमतों में जो उछाल है, एक तो उसका इम्पैक्ट है और दूसरा प्रोडक्शन कम रहने का अनुमान ग्वार का, ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनसीडीएक्स पर ग्वार गम अपने जून 2015 के हाई पर अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, 11,500 के पार जा चुका है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को जो ग्वारेक्स लॉन्च हुआ था उसमें भी अब तक 30% की तेजी देखने को मिली है, यानी 30% का रिटर्न वहां पर भी आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि कीमतों में जोरदार तेजी से गम के एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट मांग इतने नहीं बढ़े हैं जितनी कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और जहां तक ग्वार गम की बात है, तो 3 महीने की अगर हम आउटलुक उठाकर देखें तो 72% का उछाल ग्वार गम में भी देखने को मिला है और ग्वारेक्स ने 30% तेजी दिखलाई है। तो फिलहाल हाजिर मांग में ग्वार की जो मांग है वो कीमतों को सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। हाजिर के अंदर कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि लोगों की खरीदारी बढ़ रही है और जिनके पास स्टॉक रखा है वो भी उसको होल्ड किए हुए हैं, और लेकिन जो हमारे यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं इससे निर्यात मांग के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपोर्ट्स लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं। और जहां तक प्रोडक्शन की बात है, चालू सीजन में बताया जा रहा है कि 35 लाख बोरी प्रोडक्शन संभव है जो कि 2-3 सालों के उत्पादन से कम है, तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स हैं जो ग्वार को सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ग्वार के अंदर तेजी देखने को मिल रही है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि प्राइसेस के अंदर तेजी रह सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी इसका टारगेट दिया हुआ है कि ऊपर में 13,000 तक जा सकता है ग्वार गम, 13,000 तक ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। और इसी के साथ अगर सीड की बात करें तो सीड के अंदर भी अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इसको ऊपर में 6,500 का लेवल जो था वो अब मुझे लगता है कि दिसंबर वायदा अभी आजकल में ऑलरेडी आज हाई लग चुका है, तो अब यहाँ से हम मान के चलिए 6,800 से लेकर 7,000 सीड भी जा सकती है दिसंबर वायदा में, और गम जो है दिसंबर वायदा में 13,000 तक ऊपर जा सकती है। जी, तो यानी कि ग्वार की कीमतों में जो तेजी है वो अभी जारी रह सकती है, फंडामेंटल्स ग्वार के काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहे हैं।